को नमस्कार। जय हिंद बच्चों। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6। विषय विज्ञान रहेगा। अध्याय इसमें 5 है नई बुक में, और पुरानी बुक में अध्याय इसमें 8 रहेगा बच्चों। ठीक है, इस पाठ का नाम है शरीर में गति। शरीर में गति पहले पुराने उसमें 8वां पाठ होता था ये, लेकिन अब ये 5वां पाठ है बच्चों। कौन सा पाठ है? 5वां पाठ है कक्षा 6 का। ठीक है, तो इसमें शरीर में गति पाठ करेंगे हम, और इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपका है और आपके लिए चैनल चलाया गया है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों जब आप ये पाठ कर पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपको कुछ दक्षताएं आ जानी चाहिए। यानी आप को इस पाठ को पढ़ने के बाद या वीडियो देखने के बाद कम से कम ये बातें जरूर पता लग जानी चाहिए, नहीं तो फिर इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। तो इसमें है जैसे सबसे पहले दक्षताएं हैं हमारे पास। दक्षताएं बोलते हैं बच्चों, ठीक है, तो अगर आप ये इसके नोट्स लेना चाहते हो ना बच्चों, तो आपने इसके नोट्स जो हैं यहाँ से ले लेने हैं। कहाँ से लोगे? आप गूगल पे सर्च करोगे ये वाला, ठीक है, brkapoor.blogspot.com, और जब ये अगर यही पूरे लेसन आ जाएंगे आपके पास, इसे अगर आपको यही लेसन चाहिए तो ये पूरा टाइप आपको गूगल पे करना पड़ेगा, तो फिर आप इस लेसन पे पहुंच जाओगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों इसमें क्या जाना चाहिए आपको? जैसे शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट कार्य के आधार पर पहचान, यानी शरीर हमारे शरीर में जो विभिन्न अंग हैं उनकी कैसी बनावट है, उनके क्या कार्य हैं, वो आपको पता लग जाना चाहिए। जैसे हमारे हाथ की बनावट कैसी है, उसके कार्य कैसे हैं, आपको पैर और हाथ में अंतर पता लग जाना चाहिए। ठीक है, और आँखों के क्या कार्य होते हैं, मुँह के, जीभ के क्या कार्य हैं, तो ये बातें आपको इससे पता लग जानी चाहिए। विभिन्न जंतुओं में गति की व्याख्या कर सकते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जंतु हैं वो किस तरह की गति करते हैं, जैसे मनुष्य है, आदमी है, कुत्ता, बिल्ली, गाय हैं, वो पैरों पे चल के गति करते हैं, कुछ जैसे सांप है वो रेंग के गति करता है, तो इस तरह से आपको पता लग जाना चाहिए भी विभिन्न प्रकार के जंतु कैसे गति करते हैं। फिर आप जंतुओं में गति के कारण जान सकें, यानी जंतु जो विभिन्न प्रकार के हैं वो कैसे उनकी गति कैसी है, ये आपको पता लग जानी चाहिए। और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की संधियां हैं, जोड़ हैं, आप उनका चित्र बना सकें। ठीक है बच्चों, तो ये बातें आपको आ जानी चाहिए जब आप ये लेसन समझ लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा ये सारी बातें आपको इस वीडियो में आ जाएँ, समझ में आ जाएँ। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों क्या है, इसमें है सबसे पहले खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं पहले प्रश्न में। इसमें है जैसे अस्थियों की संधि शरीर को किसमें मदद करती है बच्चों? गति में मदद करती है। किसमें? गति में मदद करती है। ठीक है, फिर है अस्थियां और उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाती हैं बच्चों? कंकाल। ठीक है, आगे दिखाऊंगा मैं, इनके आंसर आपको दिख जाएंगी। कौनी की अस्थियां कौन सी संधि से जुड़ी होती हैं बच्चों? हिंज संधि आ जाएगा, हिंज संधि ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे इनके आंसर है, गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती है, तो ये इसमें आ जाएगा बच्चों मांसपेशियां। क्या आ जाएगा? मांसपेशी आ जाएगा, आगे इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको आंसर मिल गए, पहले खाली स्थान में गति, दूसरे में कंकाल, तीसरे में हिंज संधि होती है, हमारी बाजू में संधि होती है, और मांसपेशियों के कारण ही गति करते हैं हमारे हाथ पैर पांव जो भी हिलते हैं ना, वो मांसपेशियों के कारण ही होते हैं बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा ये देख लेते हैं, पहले चित्र है हमारे पास बच्चों। तो देखिए बच्चों हमारे पास ये हमारा शरीर है, और ये शरीर जो है हमारा कंकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कंकाल। तो कंकाल में देखो अस्थियां भी होती हैं, ये हड्डी है इसे अस्थियां बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और छोटी छोटी हड्डियां भी होती हैं, जैसे हमारे हाथ की हड्डियां हैं, उंगलियों में हड्डियां हैं, इन्हें उपास्थियां बोलते हैं बच्चों। ठीक
ठीक है। तो हड्डियाँ, अस्थियाँ और उपास्थियाँ मिलके ये पूरा कंकाल बनाती हैं बच्चों, इसे शरीर, इसको हम कंकाल कहते हैं, ठीक है। अब हमारे कंकाल में जहाँ जहाँ से भी हमारा शरीर हिलता है, जैसे हमारी बाजू यहाँ से हिलती है, हमारी गर्दन हिलती है, तभी हम खोपड़ी को हिला सकते हैं, यहाँ से भी हमारी बाजुएं हिलती हैं, तो जहाँ जहाँ भी हम हिलते हैं वहाँ पे जोड़ होते हैं बच्चों, जिसे संधि कहते हैं। देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी संधि कहाँ होती है। सबसे पहले हम गर्दन देखते हैं, गर्दन में हमारी धुराग्र संधि होती है, इसको गर्दन को हम देखो ऐसे घुमा सकते हैं, गर्दन आगे पीछे हो सकती है, दाएं बाएं हो सकती है, तो इसे हम धुराग्र संधि कहते हैं। अब हम कंधे की बारी बात करते हैं, कंधे में यहाँ पे जो जोड़ जो होता है या संधि होती है, इसे कंदुक खल्ली का संधि कहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बाजू को ऐसे घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाजू को आगे पीछे कर सकते हैं। फिर आता है हमारी कोहनी, जो हमारी कोहनी है इसमें हमारे पास हिंज संधि होती है या कब्जा संधि होती है, जो पीछे की दिशा में गति नहीं करती, केवल आगे की दिशा में ही गति कर सकती है। वैसे ही हमारे कुल्ले में जो संधि होती है, तो यहाँ भी जो संधि होती है वो होती है कंदुक खल्ली का संधि, ठीक है, कंदुक खल्ली का संधि या बॉल सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं इसे। फिर हमारा जो घुटना है, पैर का, टांग का, यहाँ भी हिंज संधि होती है, जो एक ही दिशा में गति कर सकती है, पीछे की दिशा में गति नहीं करती, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, जहाँ जहाँ से भी ये जोड़ हैं बच्चों, इन जोड़ों को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे, ठीक है। अब संधियाँ भी हमारे पास शरीर में कई तरह की संधियाँ हैं, जैसे ये हिंज संधि है, ठीक है, और हमारी गर्दन में धुराग्र संधि होती है बच्चों, कौन सी संधि होती है, धुराग्र होती है, और हमारे ये ग्लाइडिंग संधि होती है इसे, ठीक है, और हमारे जो ये है ना कोहनी में, ये बॉल सॉकेट या कंदुक खली का संधि होती है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमारे शरीर में काफ़ी सारे जोड़ हैं, संधियां हैं। तो आगे प्रश्न दो है आपके पास बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य अंकित करें, यानी हमने बताना है कौन सा सत्य बात है, कौन सा असत्य है। तो पहला है ए, सभी जानवरों की गति और चलन बिल्कुल समान होते हैं। तो सभी जानवरों की गति और चलन समान नहीं होते बच्चों, ये असत्य है बच्चों, क्योंकि आदमी जैसे है पैरों पे चलता है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस जो भी है पैरों पे चलती हैं, और सांप कैसे चलता है देखो, केंचुआ कैसे चलता है, तो उनकी गति देखें तो इसलिए सभी की गति एक जैसी नहीं है। फिर है बी, उपास्थि अस्थियों से कठोर होती है, तो ये गलत बात है बच्चों, उपास्थियाँ होती हैं जो हड्डियों से कमज़ोर होती हैं, लेकिन ये कह रहा है कठोर होती हैं, तो ये गलत है बच्चों। सी है, उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती, तो उंगलियों की अस्थियों में संधि होती है बच्चों, जोड़ होते हैं तभी हम उंगलियों को हिला सकते हैं, ठीक है। फिर है, अग्र भुजा में दो अस्थियाँ होती हैं, अग्र भुजा का मतलब है हमारी भुजा का अगला हिस्सा, तो उसमें दो अस्थियाँ होती है, ये सही बात है बच्चों, दो हड्डियाँ होती हैं उसमें। फिर है, तिल चट्टों का बाह्य कंकाल होता है, तो ये भी सही है बच्चों, तिल चट्टे होते हैं, आगे चित्र आ जाएगा दिखा दूंगा, उसका बाह्य कंकाल होता है, तो ये आपने दूसरा प्रश्न ऐसे करना था बच्चों। फिर आगे क्वेश्चन नंबर ये आ गया, तिल चट्टा देखिए बच्चों, तो इसमें इसे कॉकरोच बोलते हैं, जैसे कॉकरोच कहते हैं ना आप, तो इसका बाह्य कंकाल होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये कैसे गति करता है कॉकरोच, और ये क्या है, वही स्नेल्स होती हैं ये, तो ये कैसे गति करते हैं, ठीक है, तो ये जीवों की अलग-अलग गति है बच्चों, ठीक। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, अब कॉलम एक और दो में एक से अधिक मिलान करने हैं, क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, कॉलम मिलान करने हैं एक और दो को, ठीक है भाई, जैसे कॉकरोच भी आएगा आपके पास, ये आपके पास स्नेल्स बोलते हैं इसे, ये भी आपके पास आ जाएगा। तो इसमें देखिए कॉलम एक और कॉलम दो है जो,
इसका मिलान करना है। नीचे आंसर भी दिए गए हैं बच्चों, तो इसमें देखिए ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा होता है हमारे शरीर में, ऊपरी जबड़ा होता है जो, वो क्या होता है यहाँ एक डी के साथ मिला हुआ है, देखो तो एक जो है डी के साथ मिला हुआ है, इसमें अचल संधि होती है बच्चों। कौन सी संधि होती है? अचल संधि होती है जो हिलती नहीं है ऊपरली जबड़े में, निचले जबड़े में तो हिलती है संधि ठीक है, लेकिन ऊपरी जबड़े में अचल संधि होती है। फिर है मछलियाँ जो होती हैं, मछलियाँ मछलियाँ जैसे दूसरा जी के साथ मिला हुआ है बच्चों, तो मछली किसके साथ मिलानी है हमने? जी के साथ। तो इसका शरीर जो है धारा रेखीय होता है बच्चों। धारा रेखीय का मतलब क्या होता है? मछलियों का शरीर ना आगे से जैसे ऐसे होता है ठीक है, ये आगे से बारीक होता है और बीच में से मोटा होता है, इसे धारा रेखीय शरीर कहते हैं, जो पानी में आसानी से ठीक है तैरती है। तो ऐसे ही एरोप्लेन का आगे से होता है ठीक है, एरोप्लेन का भी आकार ऐसा ही होता है, मछलियों का आकार होता है। तो जो भी तेजी से चलती है ना उन सब का शरीर धारा रेखीय होता है बच्चों। फिर पसलियाँ, पसलियाँ हमारी छाती में पसलियाँ होती हैं बच्चों, क्या करती हैं वो? हमारे हृदय की रक्षा करती हैं। क्या करती हैं बच्चों? हमारे हृदय की रक्षा करती हैं। तो ये तीसरे का ई के साथ मिलान हो जाएगा बच्चों, तीसरा किसके साथ मिलेगा? ई के साथ मिल जाएगा। फिर है तीसरा ई के साथ मिल गया घोंघा, घोंघा आपको अभी दिखाया था मैंने ऊपर, तो घोंघा में क्या होता है चौथे का है एफ और बी, तो एफ और बी बाह्य कंकाल भी होता है और एफ है बहुत धीमी गति से चलता है ये, तो घोंघे के साथ दो मिल जाएंगे, बाह्य कंकाल होता है और धीरे धीरे चलता है वो घोंघा। तो अभी दिखा दूंगा मैं इस घोंघे का, तो ये चित्र है ऊपर, ये घोंघा है बच्चों ठीक है, इसमें क्या आता है ये देखो, बाह्य कंकाल है और ये धीरे धीरे चलता है आगे की तरफ ठीक है। फिर उसके बाद कॉकरोच, कॉकरोच क्या है बच्चों? इसके शरीर पे दो जोड़ी पंख होते हैं, कॉकरोच पे क्या होते हैं? शरीर पे पंख होते हैं और हवा में ये उड़ सकता है ठीक है। तो ये इसके साथ कॉकरोच के साथ सी और ए मिल जाएगा बच्चों, ए और सी मिल जाएगा ठीक है। तो ये आपने मिलान करने थे, आगे चलते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, बाल और सॉकेट जोड़ या कंदुक खली का संधि क्या होती है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आपको समझा देते हैं अब। बॉल सॉकेट या कंदुक खली का संधि क्या होती है बच्चों? ये देखिए ये होती है संधि, इसमें क्या होता है बच्चों? एक बॉल होती है एक सॉकेट होती है, ये देखिए ये तो बॉल है, ये क्या है बच्चों? बॉल है और ये सॉकेट है जिसके अंदर ये बॉल धसी होती है, ऐसे अंदर अंदर लगी होती है जैसे ये चित्र में दिखा रखे हैं, और ये हमारे कंधे में और जो जहाँ पे हमारे कुल्ले होते हैं ना, जहाँ कुल्ले और टांगे जुड़ी होती हैं वहाँ पे ये हमारे पास जोड़ होता है, इसे हम बोलते हैं कंदुक खल्ली का संधि। कंदुक बोलते हैं बच्चों बॉल को या गेंद को, खल्ली का बोलते हैं इसे कटोरी को जो अंदर की तरफ धसी हुई है, यानी ये कंदुक खल्ली का संधि है, ये खल्ली का है और ये कंदुक है। तो जब कंदुक जो है, बॉल जो है इस कटोरी के अंदर धस जाती है, तो ये बॉल सॉकेट या कंदुक खल्ली का संधि बन जाती है। ये कहाँ कहाँ पे होती है? कंधे में होती है बच्चों, कहाँ होती है? कंधे में होती है और कहाँ होती है? कुल्ले में होती है ठीक है, कंधे में और कुल्ले में ये जोड़ पाए जाते हैं बच्चों। तो ये आगे पढ़ लेते हैं, जैसे ये कंदुक खल्ली का संधि आपके पास ठीक है, तो बॉल सॉकेट या कंदुक खल्ली का संधि है, इसके बारे में देखिए क्या कहता है ये। तो एक हड्डी का गेंद रूपी गोला सिरा, गोल सिरा दूसरी हड्डी के कटोरी रूपी खोखले स्थान पर लगा होता है, इसे बॉल एवं सॉकेट या कंदुक खल्ली का संधि कहते हैं। बॉल सॉकेट जोड़ सभी दिशाओं में गति कर सकता है, जैसे हमारी बाजू होती है ना सभी दिशाओं में गति करती है। तो ये कंदुक खल्ली का संधि एक तो कंधे में होती है बच्चों और एक कुल्ले में होती है, इसलिए ये सभी दिशाओं में गति कर सकते हैं ठीक है। तो कहाँ कहाँ होती है? कंधे में और कुल्ले में ये संधि होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लेते हैं
कि कंदू खल्ली का संधि कहाँ कहाँ पाई जाती है? हमारे कंधे में और कुल्ले में। फिर दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है बच्चों इसी का, खोपड़ी या कपाल की कौन सी अस्थि हिल सकती है? खोपड़ी की कौन सी हड्डी हिल सकती है? तो ये देख लेते हैं। तो ये हमारे शरीर में जो है, ये खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं सारी आपस में मिली हुई, तो ये ऊपरी जबड़े की हड्डी है और ये निचला जबड़ा है बच्चों, जो नीचा है। तो निचले वाला जबड़ा जो है ये तो हिल सकता है, लेकिन ऊपरी ही नहीं हिलता। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसका आंसर है खोपड़ी का केवल क्या हिलता है बच्चों? खोपड़ी का केवल निचला जबड़ा गति करता है, ऊपर का जबड़ा गति नहीं करता। ठीक है, तो ये आपने लिखना था बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास प्रश्न अगला, इसी के सी पार्ट देख लेते हैं। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? हमारी कोहनी, ठीक है, पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? क्योंकि इसमें बच्चों कब्जा संधि होती है। कैसी संधि होती है? कब्जा, जैसे ये कब्जे लगे होते हैं ना दरवाजों में, ठीक है, तो वो एक ही दिशा में गति कर सकते हैं कब्जे, जैसे कब्जा है, ठीक, तो ये गति कहाँ पे? एक ही दिशा में कर सकती है, आगे की तरफ कर सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ ये गति नहीं ज़्यादा करते। तो हमारी कोहनी पीछे की ओर गति नहीं कर सकती, क्योंकि कोहनी में हिंज जोड़ होता है जो केवल एक ही दिशा में गति कर सकती है। तो हमारे शरीर में हिंज जोड़ होता है बच्चों, तो हिंज जोड़ आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे होता है।